पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नव निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शैफाली चौहान और पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य बने गिरीश वर्मा का स्वागत बड़े ही धूमधाम के साथ भाजपा के रामगंगा बिहार मंडल के द्वारा किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने नव निर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत किया। सभी ने मंच पर मौजूद सभी अतिथियों का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान भाजपा महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा ने मंच पर अपने विचार रखते हुए कहा कि भाजपा ही वो पार्टी है जिसमें सभी का सम्मान है और भाजपा में सभी को अवसर दिया जाता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी को एक साथ मिलकर योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाना है और सभी को एक साथ मिलकर ही इस कार्य को पूरा करना है। दिल है, यहीं से हार की निश्चित होती है। मुरादाबाद देहात के अंदर अगर जीत की शुरुआत होगी तो रामगढ़ मंडल से होगी। रामगढ़ बिहार मंडल के आज पुराने पुराने कार्यकर्ता जैसे मेरे पिता तुल्य यहां पर भट्टागर जी आज बैठे हैं, मैं इनके चरणों में नमन करते हुए कहता हूं कि इनसे सीख लीजिए। इन्हें एक एक घर, एक एक नंबर, एक एक घर के अंदर का पता है। आप दीनदयाल नगर में जाइए और सोते हुए पूछिए कहां पर है। ऐसे मेरे भाई सुरेंद्र बिश्नोई जी रामगढ़ बिहार की गली गली में आपको बता देंगे कि कहां पर कौन सा मकान में कौन रहता है, वो कहां चला गया है। आप सीखिए उनसे। 2022 बहुत दूर नहीं है। अब अपने जितने भी तरकश में तीर है उन्हें लेकर मैदान में आ जाइए। अपने जितने भी कार्यकर्ता है मेरे महानगर के इस मंडल के अंदर, चाहे मेरे अजय वर्मा जी मेरे भाई, सुनीता शर्मा जी मेरी बहन और शशि किरण जी, आप इस मंडल के अंदर महानगर के पदाधिकारी के नाते आपका कर्तव्य बनता है ये अपने छोटे भाइयों और बहनों को साथ लेकर अब आपको इस रण की भेड़ी में मैदान में आना होगा। तो वही कार्यक्रम में बोलते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य गिरीश वर्मा ने कहा कि मुझे खुशी है कि आज आपके साथ काम करने का अवसर मिला और आज सभी की मेहनत का नतीजा है जो पार्टी ने मुझे आयोग में सदस्य बनाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में मेहनत का फल जरूर मिलता है, सभी को पार्टी हित में कार्य करना है। उन्होंने कहा कि सभी एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तभी 2022 में भाजपा सरकार को दोहराया जाएगा। इस अवसर पर गिरीश वर्मा ने सभी स्वागत करने वाले पदाधिकारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार जताया। तो वहीं कार्यक्रम में मौजूद नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शैफाली चौहान ने भी सभी का आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि 2022 में हमें मिलजुल कर सरकार बनानी है और साथ ही ये भी कहा कि जी तोड़ मेहनत करने के बाद ही हम इस सफलता को हासिल कर पाएंगे। एक साल तक मैं घर पर आ लेकिन पार्टी के लिए बेहतर ही सोचता। आज पार्टी ने मैंने सोचा मुझ जैसे अन्य से कार्यकर्ता को, मेरे माता पिता को इस मुरादाबाद शहर में बहुत कम लोग जानते हैं, एक आध दो ही जानते होंगे। मेरे पिताजी पुलिस इंस्पेक्टर थे लेकिन कोई जानता नहीं है। मेरा कोई गॉडफादर राजनीति में नहीं है। मैंने इस मंडी चौक में सराफे बाजार में 300 महीने की नौकरी करी है, सराफे की दुकान। लेकिन उसके बावजूद मैंने राजनीति के लिए समय निकाला, संघ के लिए समय निकाला और मैं लगातार काम करता रहा। ईश्वर की कृपा से आप सबके सहयोग से कुछ प्रदेश सरकार में मंत्री भी मेरे बहुत खास और चिंतक हैं। और मैं एक बात कह दूं सबसे कि समय से पहले और भाग चलने कुछ भी पिछले दिन था। चलेगा कि चलते रहो आप देश के बारे में सोचते रहो और पार्टी आपके बारे में सोचेगी। कब किसकी लाइटरी कब खुल जाए, कब कौन इसमें सरपंच बन जाए, कब कौन इसमें विधायक बन जाए। मुझे ध्यान है धर्मेंद्र जी की गाड़ी पटरी से उतर गई थी। 1.5 साल तक धर्मेंद्र जी को कहीं फ्लैक्स पर दर्शन करने में मिल रहे थे, बिंदी ग्रुप में भी वहीं पर थी और अचानक तो कार्यकर्ता लगा होता है, प्रोफाइल देखी जाती है। धर्मेंद्र जी बहुत पुराने समय से काम कर रहे हैं, मन बना के पार्टी को ब्राह्मण अध्यक्ष बनाना। तो धर्मेंद्र जी की एकता हवा चली। एक दिन पर धर्मेंद्र जी मायूस थे कि मेरा मेंबर आएगा नहीं आएगा, लेकिन मैंने कहा धर्मेंद्र जी से एकता मंत्रो बहुत पुराने कार्यकर्ताओं सुनेगा और लोगों ने पैरोकारी करी और धर्मेंद्र जी
इन कार्यकर्ताओं के कसौटे पर खड़े हो रहे, मुझे पता, मुझे भी कार्य लेनी पड़ती है धर्मेंद्र जी। मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई साहब बहुत अच्छा काम करेंगे, और धर्मेंद्र जी ने कार्यकर्ता रूप में अध्यक्ष होने के बाद सब कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चले। ये जो रामगढ़ का बिहार मंडल है, ये ऐसी जगह है बिल्कुल दिल है पूरा महानगर का, लेकिन ये देहात विधानसभा का हिस्सा हो गया, ये तो ऐसा कश्मीर जैसा हो गया रामगढ़ का बिहार। ये जम्मू और कश्मीर आ गया, ये बरसाना भोजपुर सब कश्मीर है। जम्मू वालों कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर वाले को कहा हो जाओ, इस बार तो सरकार बनेगी। तो मेरे मन की इच्छा है कि कमल का फूल बर्बाद यहाँ से भी खिलना चाहिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।